36 घंटे के सर्वोत्तम किए गए लॉकडाउन के बाद से अब तक लॉकडाउन के चार फेज़ को ख़त्म करते हुए अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन तथा शनिवार व रविवार की रात्रि तथा सोमवार के प्रातः 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन से आगे बढ़ते हुए अब हम अनलॉक 3 के फेज़ में हैं तथा इस माह अब तक प्रभावितों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण 17 लाख तक पहुंच गई है तथा हो सकता है कि 15 सितंबर तक प्रभावितों की संख्या चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ सकते हैं। ऐसे में हम कलयुग के महाप्रभु तथा अष्टदिग सिद्धि नवनिधि के स्वामी जिन्होंने मैं कि पूर्व में भगवान श्री रामचंद्र के लिए किए गए बहुत से जतन तथा अपनी बल बुद्धि के बल पर उन्होंने हमेशा ही विजय प्राप्त की तथा सीता की खोज में लंका जाते समय सुरसा नाम की राक्षसी से उनका सामना हुआ, परंतु अपनी बल बुद्धि का प्रयोग करते हुए तथा श्री रामचंद्र जी की कृपा का लाभ लेते हुए उन्होंने सुरसा के मुँह के अंदर जाकर पुनः बाहर आकर फिर वो आगे बढ़े तथा सीता की खोज कर रामचंद्र जी के कार्य को आसान किया। कोरोना महासंकट भी जो कि सुरसा की तरह ही अपना मुंह वायरस के फैलाव के रूप में बढ़ा रहा है, तो हम हनुमान महाप्रभु से ऐसे में प्रार्थना करें कि जिस तरह से श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए जाते समय उन्होंने बल व बुद्धि का प्रयोग किया तथा सुरसा रूपी महाराक्षसी पर विजय प्राप्त की तथा उसके बाद राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाथ द्वारा एक अमोघ अस्त्र के कारण भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद जामवंत द्वारा सुसेन वैद्य के बारे में बताने के पश्चात बहुत कम समय में संजीवनी से भरपूर द्रोण पर्वत को लेकर आए तथा सुसेन वैद्य द्वारा उसका उपयोग लक्ष्मण को मूर्छा से बाहर लाने में किया। उसी तरह से हनुमान महाप्रभु हमें भी इस कोरोना महावायरस के सुरसा के रूप से के मुख से बाहर निकालें। इसके लिए हमने एक पद बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो की 108 आवृत्तियाँ की हैं। इसको आप मोबाइल पर लगाकर सुन सकते हैं तथा कम से कम एक बार प्रातः व सायं मनोयोग से इसका स्मरण करेंगे तो शायद सुरसा रूपी कोरोना महावायरस से हम विजय पा सकेंगे तथा विपरीत परिस्थितियों में भी हम आध्यात्मिकता के भरोसे सामंजस्य बना पाएंगे।